एक्चुअली नया तो क्या है, मुन्नी को मुन्ना कर दिया है, और वो बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज मुन्नी ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर और बहुत हिट सॉन्ग है, आइकॉनिक गाना है और लोगों के जहन में है, आज तक बजता है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग था। बट सलमान वॉज वेरी श्योर कि क्योंकि हम जब डिस्कस कर रहे थे कि यार आइटम गाना इस फिल्म का बड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमने मुन्नी के बाद हमने फेविकॉल दिया था विच वॉज इक्वली गुड, सो आई वॉज ऑल्सो वेरी कीन कि यार एक नया गाना देते हैं ताकि लोगों को लगे कि यार हर बार दबंग में गाना आता है आइटम सॉन्ग तो इट बिकम्स अ चार्ट बस्टर, सो यू आर कॉन्शियस ऑफ दैट। बट वन डे सलमान कॉल्ड मी एंड ही सेड कि यार यू नो आई हैव गॉट अ तोड़ फॉर मुन्नी बदनाम। आई सेड चलो बताओ क्या है, तो ही सेड कि मुन्ना बदनाम। तो पहले तो मैंने बोला यार ये क्या है, ये मजाक चल रहा है क्या, मतलब मुन्ना बदनाम इसे नहीं सीरियसली, इसको ऐसा करते वैसा करते। मैंने बोला देखो अगर गाना अच्छा नहीं हुआ ना तो वी नॉट कीप इट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू री इंट्रोड्यूस अ सॉन्ग और री हैश अ सॉन्ग, रीमेक्स थोड़ी कर रहे हैं। मैंने बोला वी हैव टू वी आर केपेबल, वी आर नॉट बैंकक्रप्ट, वी डोंट नीड टू रियली गो इन टू समथिंग बिहाइंड एंड रिक्रिएटेड बिकॉज हमारे पास कुछ था नहीं। बोला जब तक ये गाना सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा ना इस गाने को वी विल नॉट डू इट, सो दैट यू हैव टू अलाउ मी बिकॉज आई अलाउ टू गेट इसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। और बोला दो तीन लोगों को देते ये गाना, ललित पंडित ने पहला गाना किया था मुन्नी बदनाम में, तो उनसे भी हम मिले। मैंने बोला देखो हम इसको कर रहे हैं, आसान नहीं होगा, सिमिलर लग है गाना लेकिन फिर भी एक अलग होना चाहिए, लगना चाहिए कि थोड़ा सा रेजोनेंस है वो गाने का बट नॉट एग्जैक्टली द सेम बिकॉज मैं तो लोग बोलेंगे यार क्या कर दिया, तो दिट वॉज अ बिग चैलेंज। तो उनको उनको एक हक है क्योंकि उन्होंने मुन्नी किया था, तो उनको बोला था, फिर साजिद वाजिद को भी बोला हमने कि आप भी वर्क करो इस गाने पर, और जो भी सही जिन दोनों में से किसी का भी गाना हमको अच्छा लगता है लेट्स बी फेयर वी विल टेक दैट सॉन्ग। तो ललित पंडित जी का भी गाना बहुत ही अच्छा था लेकिन हमको साजिद वाजिद का ये जो गाना था वी फेल्ट कि ये ज़्यादा क्लिक करेगा। एंड देन व्हेन आई हर्ड इट आई वाज पहला वर्जन के ऊपर दो तीन वर्जन्स बने देन इम्प्रूव होता गया, फाइनल जो वर्जन था विच इज वॉज आई गॉट आई गेव अ गो हेड, आई सेड अभी सलमान आई थिंक वी आर गुड टू गो, ये गाना अप्रूव कर दो, वी कैन शूट दिस सॉन्ग। अभी मैंने बताया आपको ना, आपको अभी यही सवाल का जवाब दिया मैंने, तो इसी के साथ में लगता है कि इस बात का डर होता है कि ये वाला गाना हिट होता है, अब ये नहीं हुआ तो अब आगे क्या, किस तरीके का? अभी मैंने इसी का तो सवाल बोला आपको कि मुन्नी बड़ा हिट था, आइकॉनिक गाना था, उसके लिए चैलेंज था बनाना, एंड आई वॉज नॉट श्योर वेदर वी शुड गो दैट डायरेक्शन बट वी वेंट दैट डायरेक्शन एंड वी हैड टू बी सेटिस्फाइड कि यार ये तो जेन्युइनली इट हैज़ बीन डन बिफोर, हाउ डू वी रिक्रिएटेड एंड इफ वी डू रिक्रिएटेड इट हैज़ टू बी रियली ऑफ दैट कैलिबर, टिल व्हेन दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग अस वी विल नॉट गो अहेड विद इट। और जब हमको सेटिस्फाई कर गया हमने कर लिया गाना। अब फिर से सवाल ये पूछोगे आप? हाँ जी हाँ, तो ये आपने जगह गाने के अंदर बहुत स्टाइलिंग है, हमने सेटवेट को गाने में भी यूज़ किया, तो सेटवेट हैज़ बीन अ ग्रेट पार्टनर फॉर अस, दे हैव कोलैबोरेटेड इन वेरी फैंटास्टिकली विद अस एंड वी हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम। दे हैव थ्रोन एन ऑनलाइन चैलेंज ऑफ ऑन हैशटैग बी दबंग विद सेटवेट, जहाँ पर आपको मुन्ना बनना है और चुलबुल स्टाइल के अंदर आपको डांस करके कुछ स्टेप्स दिखाने हैं, और उनमें से जो भी मतलब विनर होगा उसको बस यही कहना चाहेंगे कि दबंग जो फ्रेंचाइज है दैट इज़ वेरी क्लोज टू आर हार्ट, वी रियली वर्क वेरी हार्ड ऑन इट, इस बार हमने थोड़ा समय लेके आए क्योंकि हमको श्योर होना था कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ तीन लगाने से नहीं हिट होता, हमको उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी थी और हमने उसके ऊपर की मेहनत, हमने समय लगाया, हमने उसको दिल और जान से बनाया है, और आज जो प्रोडक्ट हम ले आएंगे मतलब इन फ्रंट ऑफ यू गाइज ऑन द 20th of December दैट इज़ समथिंग दैट वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद। और जो भी फ्रेंचाइज के फ़ैन है, दबंग के फ़ैन है, चुलबुल पांडे के फ़ैन है, दे ऑल विल लव टू सी द फिल्म एंड एंजॉय एंड दैट्स व्हाट आई एंड इस जर्नी को किस तरीके से देखते हैं? इट हैज़ बीन एन एक्साइटिंग जर्नी फॉर मी, पर्टिकुलरली फॉर मी बिकॉज आई एम द यू नो मेरे साथ माई फर्स्ट प्रोडक्शन, सो इट्स लाइक माई फर्स्ट बेबी एंड इट इज़ समथिंग दैट भाइयों ने किया, साथ में मिलके किया, और मुझे खुशी ये होती है कि मेरा तो करियर एज अ प्रोड्यूसर बहुत हेल्प हो गया, आई बिकेम अ वेरी एस्टैब्लिश प्रोड्यूसर एंड वेरी वेरी सक्सेसफुल, इट वॉज द सेकेंड बिगेस्ट हिट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा वैन इट फर्स्ट रिलीज दबंग 1 एंड बट इट ऑल्सो टू प्रोपेल सलमान्स करियर फ्रॉम
wherever he was as a superstar to a superstar. Or pre-Dabang and post-Dabang, Salman he went into another zone. And I feel like, okay, fine, my film has contributed to that. So there's a very proud moment for that. And then subsequently when we did Dabang 2, we had another challenge. And uske liye bhi humko, yaar, we had to match Dabang 1's success and not let people down. And that fortunately I directed, and we did commercially also much bigger business than one, and it was equally successful and equally liked. And uske baad we took a long gap, and now here we are 3. Prabhuji. So Prabhuji has been a great contributor in this film, and he's probably the best choice that we had when we wanted to take this franchise further. And he's very hard working, very focused, and very disciplined, and that is what we needed. And he loved being on the set and doing whatever he did. And he's a very knowledgeable guy, knows the craft very well. Unko har department ki knowledge hai, scripting ki knowledge hai, khud actor reh chuke hai, khud choreographer reh chuke hai, dancer reh chuke hai, aur film mein unhone direct ki hai. So basically he's a full package. So who better than him to have somebody to, you know, be at the helm of affairs and, you know, direct it and take it further. Thank you so much. Thank you.